हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो आने वाली है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेनिंग मोड की एक नई बग। ठीक है ना दोस्तों, ट्रेनिंग मोड की एक नई बग बताने वाला हूँ जिसमें क्या आने वाला है कि आप जो है वो ट्रेनिंग मोड का ये जो एरिया होता है ट्रेनिंग एरिया, इसके बाहर जा सकते हो। ठीक है, वो कैसे जाना है आपको, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ले लेना है, क्या नाम है इसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ग्रीन एड पता नहीं कौन सा है। तो ये आपका जो डुप्लीकेट होता है इसको ले लेना है। उसके बाद आपको गेम में जाना है और वहाँ से आपको इसको पकड़ कर एग्जिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जो ट्रेनिंग एरिया होता है, यहाँ से जहाँ से आप गन सेलेक्ट करते हैं, उसका इसका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, आपको दो जो आपको क्या नाम है, ये ग्रेनेड वगैरह ये जो भी हैं आपके डुप्लीकेट, इनको इस जगह पर ऐसी जगह पर पोजीशन करना है कि आपका बंदा आसानी से इसके बाहर जा सके। तो मैं दो जगह कोई मतलब दो ही बंदा लगा सकता है, तीसरे लगाए तो पहले वाला कट जाता है और नए वाले दो ठीक है बन जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से पहले ट्राई करूँगा कि क्या मेरा बंदा बाहर जा सकता है, अगर नहीं जा सकता तो फिर मैं रीपोजिशन करूँगा इसको। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बंदा दो नहीं जाता तो भी आपको उसको मतलब छोड़ना नहीं है, गन चेंज नहीं करनी है, उसको हाथ में ही रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको हाथ में नहीं रखोगे और बंदा आपका नहीं गया, फिर से आपको गेम में जाना पड़ेगा और फिर से आपको ट्रेनिंग एरिया में वापस आना पड़ेगा। तब देखो फिर से मेरे हाथ में आ गया, मैंने गलती कर दी, मैंने मतलब उसको पकड़े नहीं रखा, मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको, मैं एक अच्छी से पोजीशन दोबारा से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे एक लगा दिया और इसका थोड़ा सा ऊंचा इससे मैंने लगा दिया ताकि मतलब पहले मैं इस पर जंप करूँ और फिर मतलब वापस उस पर। मेरी क्या क्या गलती थी, मैंने मतलब राइट साइड में लेफ्ट साइड में लगा दिया, राइट साइड में लगाना था, पहले सीधा ही ऊंचे पर चढ़ जाता है तो मतलब यहाँ से थोड़ा और मुझे चाहिए था और फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना, हाथ में से मतलब वो मुझे याद नहीं रहा और मैंने इस तरह से छोड़ दिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे ना, आपका बंदा नहीं गया बाहर फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर से जाना पड़ेगा ट्रेनिंग मोड में और वहाँ से आपको करना पड़ेगा, दोबारा से आकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कम्फर्ट जोन में गया, फिर वहाँ से मैंने सेलेक्ट की और फिर एग्जिट कर दिया और ट्रेनिंग एरिया में ठीक है टारगेट रेंज में चला गया। फिर यहाँ पे वापस आया, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको जाना है। तो आपको कोई ऐसी पोजीशन सेलेक्ट करनी है जहाँ से मतलब बंदा आपका थोड़ा सा मतलब मुश्किल करके जा तो सही दरमियान तक पहुँच जाए, उसके बाद आप दूसरा लगाओ और उस पर रख के आप आराम से बाहर निकल सकते हो। ठीक है ना, तो पहला मैंने यहाँ पे लगाया और दूसरा मैंने मतलब इससे थोड़ा ऊँचा लगाया ताकि बंदा आराम से बाहर जा सके। तो ये भी ज़्यादा ऊंचा नहीं था तो इसलिए मुझे काम नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा मैंने उसको स्विच नहीं किया ताकि मतलब अगर मैं कर देता तो फिर दोबारा से मुझे बाहर जाना पड़ता ठीक है और लगाना पड़ता। तो मैंने इसको थोड़ा और इसकी जगह एक और लगा दिया, यहाँ से मैं फिर आया वापस और फिर से मैंने ट्राई किया, लेकिन इस दफ़ा भी नहीं गया। ठीक है ना, इसके दफ़ा भी मतलब बाहर नहीं जा सका, इतनी जगह नहीं थी, ये ऊंची जगह इसलिए नहीं गया। अब मैं इससे थोड़ा और हाइट पे लगा देता हूँ ताकि आराम से बंदा बाहर जा सके। यहाँ पे लगाया मैंने और फिर जंप किया, अब शायद चला जाएगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट हो गई है। यहाँ से ट्राई किया और ये देखो बंदा बाहर आ गया। आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बताता हूँ कि जब आप इसके मतलब यहाँ से परे तो नहीं जा सकते, लेकिन आप थोड़ा सा इसकी रेंज के बाहर होता है तो आपके हेल्थ वगैरह का ऑप्शन और आपको ये जो ट्रेनिंग एरिया ये कम्फर्ट जोन है ये आप सब इनविजिबल हो जाता है, आपको दिखता ही नहीं है कुछ, मतलब आपकी हेल्थ है ही नहीं कोई, ऐसे आप मतलब बन गए इमोर्टल, मरने वाला ना बन गए ठीक है ना, जो नहीं मरेगा ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसके थोड़ा सा नज़दीक आओगे, क्लोज आओगे, तो वो दोबारा से आपकी हेल्थ बन जाएगी और ये भी विजिबल हो जाएगा। जैसे आपकी हेल्थ बनेगी फिर आपको डैमेज पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाहर आप चले जाओगे तो आपके ऊपर जो मर्ज़ी मतलब हो जाए आपको कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि होता है हमारी जो लॉबी होती है शुरू में उसमें होता है। तो यहाँ से आप किसी को गोली नहीं मार सकते ठीक है ना, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन यहाँ से गोली नहीं जा सकती थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।